नमस्कार, बहुत स्वागत आपका सुबह 9 बजे के इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। रुक करेंगे आज की तमाम बड़ी खबरों का और सबसे पहले ग्वालियर से एक बड़ी जानकारी। सब इंस्पेक्टर को 3 साल की सजा सुनाई गई है। रिश्वत मांगने वाले सब इंस्पेक्टर उमेद सिंह के खिलाफ ये कार्रवाई। उमेद सिंह भदौरिया, विशेष अदालत की तरफ से 3 साल की सजा सुनाई गई। 2000 रूपये का जुर्माना भी लगाया गया। 18 जनवरी 2017 का यह पूरा मामला, रिश्वत लेते हुए पकड़े गए थे सब इंस्पेक्टर। ग्वालियर लोकायुक्त ने 15,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया था और उसके बाद अब सजा का ऐलान हुआ है। 3 साल की सजा, 2000 रूपये का जुर्माना भी सब इंस्पेक्टर पर लगवाया गया। ग्वालियर लोकायुक्त की तरफ से जो कार्रवाई हुई थी उसको लेकर अब निष्कर्ष सामने आए। 2017 से जुड़ा हुआ यह पूरा मामला। सब इंस्पेक्टर को 3 साल की सजा हुई है, 2000 रूपये का जुर्माना भरना। ग्वालियर से अगली बड़ी खबर, जहां नगर निगम के पीएचई में घोटाले की जानकारी सामने आई। 71 फर्जी खातों में वेतन एरियर का भुगतान किया गया। 16,42,00,000 रुपए का भुगतान हुआ है। अफसर और कर्मचारियों पर सांठगांठ के आरोप लग रहे हैं। स्टेट सर्विलांस टीम की निगाह में मामला आया है। भोपाल के वित्त विभाग ने जांच के आदेश दिए हैं। वित्त के संयुक्त संचालक की देखरेख में अब जांच होगी। 5 सदस्यों की टीम गठित की जा चुकी है इस पूरे मामले की जांच। आगे बढ़ते हैं रायगढ़ से अगली बड़ी खबर, जहां मामूली विवाद के चलते कुल्हाड़ी से हमला किया गया। घायल को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। रायगढ़ के तमनार क्षेत्र का यह पूरा मामला, किस वजह से पूरा विवाद शुरू हुआ ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाई, ये जांच का विषय। लेकिन ये बताया जा रहा है कि छोटी सी बात को लेकर पूरा विवाद था, उसके बाद कुल्हाड़ी से हमला किया जाना सामने आया। फौरन घायल को अस्पताल लेकर भर्ती करवाया गया। पुलिस ने आरोपी को भी गिरफ्तार किया है। रायगढ़ के तमनार क्षेत्र का यह पूरा मामला। रायगढ़ की एक बड़ी वारदात, जिसमें मामूली से विवाद के चलते कुल्हाड़ी से एक व्यक्ति ने दूसरे पर हमला किया। अस्पताल में भर्ती है, इलाजरत है। अंबिकापुर से अगली बड़ी खबर, जहां करंट की चपेट में आने से किसान की जान चली गई। खेत में रोपा लगाकर किसान वापस लौट रहा था और करंट लगने की वजह से किसान की मौके पर ही मौत हो गई। दरमा के ग्राम खजूरी का यह पूरा मामला, दर्दनाक पूरी घटना। अंबिकापुर से जानकारी सामने आ रही है, करंट की चपेट में आने से इस व्यक्ति की घटनास्थल पर ही जान चली गई। खेत में रोपा लगाकर वापस लौट रहा था, अचानक से करंट की चपेट में आ गया और उसी के चलते घटनास्थल पर ही मौत हुई। दरिमा के ग्राम खजूरी का पूरा मामला। राजधानी रायपुर से अगली बड़ी खबर, जहां आज जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल शुरू हो रही है। ओपीडी और 2 अगस्त को इमरजेंसी सेवाएं भी बंद रहेंगी। स्टाइपेंड की मांग को लेकर जूनियर डॉक्टर्स हड़ताल पर एक बार फिर से। अनुपूरक बजट में मांगों को शामिल नहीं करने पर आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है। सरकारी मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टर्स अब हड़ताल करेंगे। अभी तक काली पट्टी बांधकर विरोध दर्ज करवाया जा रहा था, लेकिन सुनवाई नहीं होने के चलते इतने नाराज कि अब हड़ताल से कम पर बात नहीं होती। ओपीडी और 2 अगस्त को यानी कि कल इमरजेंसी सेवाएं भी बंद रखेंगे जूनियर डॉक्टर्स। स्टाइपेंड की मांग को लेकर लगातार आक्रोश जाहिर किया जा रहा है। पहले भी कई बार ये मांग उठाई गई, हड़ताल की गई, आश्वासन महज मिला, स्टाइपेंड नहीं बढ़ाया गया। सही कि ममता हमारे साथ जुड़ रही हैं, उनका भी हम रुख कर लेते हैं। क्या आप कहना है जूनियर डॉक्टर्स का? ममता, एक परेशानी वाली बात मरीजों के लिए भी, क्योंकि इमरजेंसी सेवाएं भी बंद रहने की बात की जा रही है जूनियर डॉक्टर्स की तरफ से, लेकिन फिलहाल हड़ताल को लेकर क्या रणनीति है? बिल्कुल, देखिए थोड़ी देर में जूडो जो है वो अभी तो ड्यूटी पे हैं और उसके बाद में इकट्ठा होंगे और उसके बाद स्ट्राइक पे बैठेंगे। और आज सबसे बड़ी बात ये है कि चाहे वो रायपुर मेडिकल कॉलेज हो, चाहे प्रदेश भर के जो सरकारी मेडिकल कॉलेजेस हॉस्पिटल हो, वहाँ पर जो है अगर हम बात करें तो जो व्यवस्था है, ज़्यादातर व्यवस्था जो है वो जूनियर डॉक्टर्स के भरोसे ही है। और सीनियर डॉक्टर्स जो हैं उनका एक टाइम तय है, लेकिन अगर पूरे समय अगर कोई काम करता है तो जूनियर डॉक्टर्स ही। और ज़ाहिर तौर पे उनके हड़ताल से जो दिक्कत होती है वो बहुत बड़ी दिक्कत होती है। ये ज़रूर कहा जाता है कि वैकल्पिक व्यवस्था जो है वो कर ली गई है, लेकिन कहीं ना कहीं जो है वो वैकल्पिक व्यवस्था पर्याप्त नहीं होती। और दूसरी बात अगर हम बात करें तो इस स्ट्राइक को सीनियर डॉक्टर्स की भी कहीं ना कहीं जो है वो सपोर्ट होता है, क्योंकि
एसोसिएशन होता है और एसोसिएशन अपने लोगों के खिलाफ कैसे जाएगा। तो ये देखने वाली बात होगी कि अब इस पर जो है वो शासन प्रशासन की तरफ से किस तरह से बात होती है और ये हड़ताल जो है वो कितनी लंबी चलती है। हालांकि पिछली बार जब हड़ताल पर गए थे तो उसके बाद एस्मा के तहत जो है वो कार्रवाई की चेतावनी दी गई थी और उसके बाद राज्य सरकार के जो अधिकारी हैं और जूडो के बीच में बातचीत हुई थी और उसके बाद उन्होंने हड़ताल वापस ली थी। लेकिन फिर से अब ये जो हड़ताल पर बैठे हैं उनका कहना है कि अनुपूरक बजट में उनकी मांगों को शामिल नहीं किया गया, वो एक उम्मीद बनाकर बैठे हुए थे। तो अब देखना ये है कि इस मसले पर जो है वो किस तरह का रुख होता है, क्या सरकार सख्त रुख अपनाती है या फिर कोई बातचीत का इसके जरिए हल निकालने की कोशिश की जाती है या फिर जो है वो जूडो चाहे सख्त रुख हो चाहे बातचीत हो दोनों से नहीं मानता है और स्ट्राइक बरकरार रखता है। लेकिन बरकरार अगर स्ट्राइक रहती है तो सबसे ज़्यादा परेशानी जो है वो गरीब और मध्यम वर्ग के जो लोग हैं उनको भुगतना पड़ेगा क्योंकि यही लोग जो है वो सरकारी अस्पतालों में जाते हैं। जी चलिए देखने वाली बात, बहुत शुक्रिया आपको ममता जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं भोपाल से अगली बड़ी खबर, जहां आज बीजेपी की तरफ से घोषणा पत्र समिति की बैठक बुलाई जा रही है। कई अहम मुद्दों को लेकर चर्चा इस बैठक में होनी है। बीजेपी चुनाव प्रबंध समिति की भी एक और बैठक, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी संगठन स्तर पर। नरेंद्र सिंह तोमर जिला संयोजक के तौर पर तमाम लोगों को इकट्ठा करने वाले हैं। जितने भी बीजेपी के कार्यकर्ता हैं जिला संयोजकों के तौर पर जो काम कर रहे हैं उनके लिए खासतौर पर यह बैठक, क्योंकि आगामी रणनीति को लेकर मंथन होना है और एक तरफ घोषणा पत्र में जिन मुद्दों को शामिल किया जाना है उन पर भी चर्चा। आज पहली बैठक है घोषणा पत्र समिति की, लेकिन चुनाव प्रबंध समिति को लेकर भी आप देखें नरेंद्र सिंह तोमर जो कि अब कहीं ना कहीं एक्शन मोड में नजर आते हुए, कल भी कई सारे जिलों का दौरा किया, आज चुनाव प्रबंध समिति की बैठक लेंगे। जिला संयोजकों के बैठक के साथ शुरुआत और उसके बाद आप देखिएगा कि लगातार ये लेवल जो है आगे बढ़ेगा, अलग अलग स्तर पर संगठन को किस तरह से मजबूती देनी है इस पर शायद फोकस हो सकता है। सहयोगी वासु चौरे भोपाल से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, उनका भी हम रुख कर लेते हैं। वासु, आपसे हम जानना चाहेंगे क्या कुछ रणनीति फिलहाल आगामी बैठकों को लेकर सामने आई है। महत्वपूर्ण बैठकों का दौर लगातार जारी है। हमने देखा कि गृह मंत्री अमित शाह के दौरे भी हुए और जो बीजेपी के अन्य प्रमुख नेता हैं मध्यप्रदेश के, चाहे चुनाव प्रबंध समिति के अध्यक्ष हो नरेंद्र सिंह तोमर, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हो, वीडी शर्मा हो, हितानंद शर्मा हो, प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव हो, लगातार मंथन कर रहे हैं, बैठकें कर रहे हैं और अब फोकस बीजेपी का अपना चुनावी घोषणा पत्र वचन पत्र तैयार करने को लेकर है और उस वचन पत्र में उन तमाम सारी चीजों को शामिल किया जाएगा जिनके जरिए बीजेपी आने वाले समय में कार्यकर्ता एक एक नेता। चलिए शायद ठीक तरह से आवाज नहीं पहुंच पा रही, लेकिन महत्वपूर्ण पहलू यह भी कि संगठन स्तर पर लगातार कोशिश मशक्कत की। बहुत शुक्रिया आपका वासु जानकारी के लिए। रायपुर से अगली बड़ी जानकारी, जहां भाजपा के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की भी बैठक आज होने जा रही है। 23 साल में पहली बार एससी एसटी पदाधिकारियों की बैठक बुलाई गई है, बहुत महत्वपूर्ण पहलू। रायपुर में बीजेपी राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक और 23 साल में पहली बार एससी एसटी पदाधिकारियों की बैठक बुलाई गई है। देश भर के ऐसे दिग्गज नेता शामिल होंगे। अनुसूचित जाति के 79 आरक्षित सीटों को साधने की कवायद नजर आई। अनुसूचित जाति के 79 आरक्षित सीटों को साधने की कवायद रायपुर बीजेपी की तरफ से, छत्तीसगढ़ बीजेपी की तरफ से। राष्ट्रीय पदाधिकारी भी इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। कई बड़े नेता बीजेपी की तरफ से इस बैठक का हिस्सा रह सकते हैं। आगामी चुनाव के मद्देनजर भी बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि एससी एसटी वर्गों को साधना बीजेपी की रणनीति का हमेशा से बड़ा हिस्सा। 23 साल में पहली बार बैठक बुलाना, यह भी महत्वपूर्ण पहलू। भोपाल से अगली बड़ी खबर, जहां शिवराज कैबिनेट की आज एक बड़ी बैठक बुलाई गई है। कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा होनी है। चर्चा के बाद कई प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। विकास पर्व पर भी जितने भी कार्यक्रम अभी तक हुए हैं इसका फीडबैक भी मुख्यमंत्री लेंगे। शाम को विकास पर्व को लेकर समीक्षा बैठक बुलाई गई है, यानी कि सत्ता और संगठन दोनों स्तर पर आज महत्वपूर्ण बैठकें होनी है। पहली शिवराज कैबिनेट की बैठक जिसमें जनहितैषी मुद्दों को लेकर प्रस्ताव रखे जा सकते हैं। कई बड़े फैसले, जनहितैषी फैसले सामने आ सकते हैं और साथ ही साथ संगठन स्तर पर भी बैठक का सिलसिला आज जारी रहेगा। विकास पर्व की कुल मिलाकर समीक्षा। दुर्ग की बात करेंगे, जहां से एक और मुन्ना भाई पकड़ाया है। युवती की शिकायत पर मुन्ना भाई गिरफ्तार हुआ है। दूसरे के स्थान पर परीक्षा देते हुए पकड़ा गया इस युवक को। लखनऊ का रहने वाला आरोपी है। मेडिकल की परीक्षा देने के लिए आरोपी पहुंचा था, लेकिन फौरन पुलिस ने कार्रवाई की, आरोपी को गिरफ्तार किया।
किसी और की जगह पर परीक्षा देने के लिए व्यक्ति लखनऊ से पहुंचा था। जैसे ही पुलिस को जानकारी लगी, पुलिस ने फौरन पहुंचकर कार्रवाई की। मेडिकल की परीक्षा देने के लिए आरोपी पहुंचा, लेकिन अब पुलिस गिरफ्तार। देवास के खातेगांव के तहसील नेमावर में 35 मुस्लिम परिवारों के 190 लोगों ने हिंदू धर्म अपना लिया है। यह घर वापसी संतों के सानिध्य में तीर्थ क्षेत्र नेमावर में नर्मदा नदी के तट पर संपन्न हुई। संत रामस्वरूप दास शास्त्री ने मंत्रोच्चार कर शुद्धिकरण भी करवाया। सबसे पहले मुंडन संस्कार हुआ, नर्मदा जी ने उसके बाद स्नान करवाकर जनेऊ संस्कार धारण और साथ ही साथ उसके बाद हवन में आहुति देकर नामकरण किया गया। सनातन में वापसी करने वालों में लगभग 55 पुरुष, 50 महिलाएं, शेष बच्चे। ऐसा हो रहा है कि जो वर्षों से भटके हुए दो तीन पीढ़ी के रहे हमारे हिंदू भाई, उनकी आज घर वापसी हो रही है। क्योंकि पिछले वर्ष भी लगभग 57 व्यक्तियों का घर वापसी किया था और उन्हीं की रिश्तेदारी नातेदारी इस क्षेत्र में है, तो उनको हर्ष हुआ कि क्यों ना हम अपने हिंदू धर्म में वापस लौट जाएं। मैं जो पहले हमारे जो गुरुजी हमको बनाए, पहले मेरे नाम मोहम्मद शाह था, बाद में राम सिंह बना, तो हमारे गुरुजी के से बनवाए और जो भी काम किए हमारे गुरुजी ने किए, और जो मालिक चाहेगा तो जो गांव में है जिसके लिए हम। और इधर खंडवा के महादेवगढ़ मंदिर में आदिल पठान ने विधि विधान से सनातन धर्म को अपना लिया है। अब वो आदित्य आर्य बन चुके हैं। खंडवा के महादेवगढ़ मंदिर में विधि विधान से आदिल से आदित्य बनने की प्रक्रिया पूरी हुई। सावन के चौथे सोमवार को युवक ने महादेवगढ़ मंदिर में पहले मुंडन करवाया, उसके बाद दूध दही सहित 10 पदार्थों से स्नान कर पूजा अर्चना की, ओम नमः शिवाय का जाप किया। युवक ने इसे अपनी घर वापसी बताया। मतलब बचपन से बड़ा, छोटे से बड़ा कर दिया जाए, उसके बाद उसी जीव जंतु को छोटे से बड़ा करने के बाद उसी को काट के खाया जाए, तो ये सारी चीजें मुझे बचपन से जमती नहीं थी, जो कि मुझे अच्छा नहीं लगता था। और पिछले कई वर्ष से मैं दादाजी मंदिर भी आना जाना कर रहा हूँ, सिंगाजी मंदिर भी जाता हूँ, महादेवगढ़ भी आता हूँ, और मैं जो भी कुछ मैंने अभी किया है ये सारी चीजें मैंने अपने मन दिल दिमाग सारी चीजें खुद ने किया, मुझे किसी ने कुछ करने का बोला नहीं था। ये आदिल जी जो है ये कल रात्रि को ही इनका यहाँ पर आना हुआ, दर्शन के लिए आए थे और दर्शन के बाद ये फूट फूट कर रो रहे थे। मैंने इनसे पूछा भाई क्या बात है, तो उन्होंने बताया कि आदिल नाम है मेरा और मुझे स्वप्न में भी महादेव आते रहते हैं और मैं बचपन से ही सनातन धर्म से, हिंदू धर्म से प्रेरित हूँ। राजनंद गांव की बात करेंगे जहां आई फ्लू के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। जिले में अभी तक आई फ्लू के 1083 मरीज सामने आ चुके हैं। स्वास्थ्य अमला लोगों को आई फ्लू के बारे में जानकारी भी दे रहा है, साथ ही लोगों से सावधानी बरतने की अपील की जा रही है। आई फ्लू के संक्रमित रोगी की आंखें लाल हो जाती हैं, आंखों में सूजन आती है, चुभन महसूस होती है। ये सभी लक्षण दिखाई देने पर नजदीक के स्वास्थ्य केंद्र जरूर जाएं, डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें। कंजक्टिवा जो है लाल हो जाता है, आंख से आंसू निकलती है और आंख में खुजली होती है। प्रिवेंशन के तौर पर यह है कि हम आंख को रगड़े मत, आंख को छुए मत, हाथ को जो साथ साबुन से धो के छुए, रुमाल वगैरह को इस्तेमाल ना करें। और यदि किसी को भी ज़्यादा तकलीफ होती है, वैसे तो हमारे ज़िला में हमने 32 टीम बनाई हुई है और हर पीएससी हर सीएससी पे जो है हमारे ऑप्थाल्मिक असिस्टेंट और मेडिकल ऑफिसर जो है अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आगरमालवा के नलखेड़ी में भांग खाने से 35 लोग बीमार हो गए, 8 बच्चे और कुछ महिलाएं भी इसमें शामिल हैं। 15 लोगों की हालत खराब होने के बाद उन्हें नलखेड़ा के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मौलियाखेड़ी गांव में शिव मंदिर से महादेव की सवारी निकली थी और इसी दौरान भांग वाला प्रसाद लोगों को दिया गया, इससे खाने के बाद लोग बीमार।
और अब बात करेंगे बालाघाट की, जहां के आदिवासी बाहुल्य परसवाड़ा में विकास अब भी अधूरा है। परसवाड़ा के ग्रामीण सड़क, बिजली और पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए परेशान हो रहे हैं। बालाघाट जिले में लगातार रुक रुक कर बारिश हो रही है और इसी के कारण नदी नाले उफान पर है। जामुनिया नाला पूरी तरह से उफान पर है, जिससे पुलिया के ऊपर पानी बह रहा है। नाला उफान पर होने के कारण ग्रामीण और स्कूली बच्चे जान जोखिम डालकर इसे पार कर रहे हैं। ग्रामीणों ने यहां पर एक बड़ा पुल बनाने की मांग की। जब भी बारिश होती है, हल्की हल्की बारिश भी होती है, तो ये खेतों की वजह से और किसानों ने आजू बाजू जो अतिक्रमण करके रखा है, पंचायत से बार बार निवेदन भी किया गया कि मनरेगा के अंतर्गत इसका कार्य करवाया जाए, लेकिन पंचायत ने भी आज दिनांक तक मनरेगा से कार्य नहीं करवाया। पीडब्ल्यूडी विभाग और बड़े नेताओं के द्वारा भी आज दिनांक तक इस पुल पर किसी प्रकार का कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है और उसकी वजह से आमजन को काफ़ी समस्याओं का परेशानियों का सामना करना पड़ता है। स्कूली बच्चों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अभी थोड़ी भी बारिश आई यहाँ तो ये इस वाले पुल में बहुत जल्दी बाढ़ आ जाती है, जिससे क्या है सभी 5-7 गांव के जो हैं नागरिक, इसको बहुत परेशानी होती है आने जाने में। सबसे ज़्यादा तकलीफ है बच्चों को। हाँ, बच्चों को भी, स्कूल वाले बच्चों को भी आज भी 2 बजे से आवागमन रुका हुआ है। दुर्ग जिले के ग्राम उमरपोटी में एक स्कूटी में सांप निकलने से हड़कंप मच गया। सांप हेडलाइट वाली जगह पर अंदर घुसा हुआ था। जैसे ही वाहन मालिक अपनी स्कूटी को निकाला तो सांप की पूंछ से नजर आई। सांप होने का एहसास होते ही वाहन मालिक अपनी जान बचाकर भाग गया। घंटों तक सांप वाहन में ही छिपकर बैठा रहा। इसके बाद स्नेक कैचर को बुलाया गया। मशक्कत के बाद सांप को बाहर निकाला गया। आपको यह भी बताया कि एक दिन पहले ही दुर्ग जिले के अहेरी गांव में टॉयलेट में सांप दिखा था। ओरछा के रामराजा मंदिर में वीआईपी दर्शन से मंदिर का खजाना भर रहा है और उसके जरिए 1 जून से 30 जुलाई के बीच मंदिर के खजाने में 15 लाख से ज्यादा की राशि आई है। आपको बता दें कि मंदिर प्रबंधन ने भक्तों के लिए कुछ सेवाओं को ऑनलाइन भी रखा है। इन सेवाओं में मंदिर में भगवान की पूजा, विशेष दर्शन, दान, महाप्रसाद शामिल है। पिछले साल 3,65,000 लोगों ने ऑनलाइन सेवाओं का लाभ लिया और इन सेवाओं के लिए एक निर्धारित राशि तय की गई, जिससे भी मंदिर की आय होगी। वर्तमान में विशेष दर्शन के लिए 150 रुपये शुल्क का प्रावधान है और कलेक्टर महोदय के मार्गदर्शन में हम लोगों ने इस व्यवस्था में कुछ सुधार भी किया है, जिसका परिणाम यह निकला कि 1 जून राजनंद गांव की बेटी ज्ञानेश्वरी यादव ने जूनियर वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में रजत पदक अपने नाम किया है। ज्ञानेश्वरी ने दिल्ली में आयोजित एशियन यूथ चैंपियनशिप में 49 किलोग्राम भार वर्ग में उपलब्धि हासिल की। ज्ञानेश्वरी राजनंद गांव के दिग्विजय कॉलेज की एक छात्रा हैं, जिनसे 78 और 97 किलो यानी कि 175 किलोग्राम भार उठाया उन्होंने और इस तरह से सिल्वर मेडल अपने नाम किया। इसके बाद ज्ञानेश्वरी का राजनंद गांव पहुंचने पर था पिछला। आगे का लक्ष्य तो मेरा अभी वर्ल्ड चैंपियनशिप है मेरा नवंबर में, उसके लिए अच्छे से तैयारी करनी है। एशियन में थोड़ा परफॉर्मेंस 1-2 kg मुझे पीछे रह गया, उसमें बेस्ट परफॉर्मेंस करना था, पर सर ने मुझे बहुत ज़्यादा हौसला दिया है, विजय रोहिला सर ने, कि बेटा हम अच्छे से करेंगे और मैं अपना पूरी कोशिश करूंगी कि वर्ल्ड चैंपियनशिप में अपना तिरंगा ऊपर लहराऊं और गोल्ड मेडल लेके आऊं। हमेशा ऊपर वाले प्रभु के आशीर्वाद मिला है और जय भवानी व्यायामशाला का अच्छा रक्षक जो अजमानी जी थे उनका भी आशीर्वाद मिले हैं और जितना भी पद अधिकारी हैं, कोच हैं और यहाँ। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। कहता है वोटर की टीम पहुंची है शहडोल जिले के जयसिंह नगर विधानसभा सीट पर। बेरोजगारी है, महंगाई है, जो आज के नए लड़के हैं वो भटक रहे इधर उधर। महंगाई क्या है, अगर महंगाई बढ़ी है तो हमारी रोजगार की दर भी तो बढ़ी है भाई। पहले अगर 100 मिलता था तो 400 मिलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, उसमें सब अच्छा चल रहा है। जो हमारा आदिवासी अंचल है उस पर विकास बहुत धीमा है, तो उस पर विकास की रफ्तार तेज होनी चाहिए। अगर आप पढ़े लिखे हो, एग्जाम दे रहे हो या कुछ कर रहे हो, आपका सिलेक्शन हो रहा है, तो होगा सड़क में फटियाओगे, कहोगे बेरोजगारी है तो कैसे काम होगा।